तो भाई यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा फ्रंट इंटीरियर है। यहाँ से जैसे ही आप आओगे देखोगे कि यहाँ पूरी तरीके से बांस का प्रयोग किया गया है, और ये देख सकते हो पूरा जो एक छतरी बनाई जाती है ये भी पूरी तरीके से बांस की बनाई गई है। रस्सी यहाँ तक की जो है पूरे तरीके से सूती रस्सी लगाई गई है, पूरे तरीके कहीं पन्नी उन्नी का कोई प्रयोग नहीं किया गया, पूरा इको फ्रेंडली भी है। और यहाँ से जैसे ही आप यहाँ देखोगे पूरा तरीके से मेन गेट यहाँ रहेगा, और यहाँ पे भी कुछ चीज़ें बनेंगी। देख सकते हैं पूरे तरीके से लोग अपनी पूरी मेहनत से लगे हुए हैं, कुछ बाहर के भी वर्कर हैं यहाँ देख सकते हैं ऐसा है। और यहाँ ये मेन गेट रहेगा, यहाँ से आप अंदर आओगे तो सामने दुर्गा जी बैठे रहेंगी या उनकी मंदिर बनी रहेगी, और ये पूरे तरीके से बांस के द्वारा बनाया। नीचे देख सकते हैं अभी पूरा सामान बिखरा है क्योंकि। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अगेन माय न्यू वीडियो। तो इस समय देख सकते हैं कि इस समय हम लोग बाई के बाग में हैं, और बाई के बाग में इसलिए आए हैं क्योंकि हम आपको एक ऐसा दुर्गा पूजा का पंडाल बनता हुआ दिखाएंगे जिसका प्रयोग में पूरी तरीके से बांस का प्रयोग किया जा रहा है। बांस द्वारा निर्मित यह पंडाल पूरे तरीके से बनकर 16 तारीख तक तैयार हो जाएगा। आप यहां आएंगे तो रामबाग से जैसे ही बगल में आएंगे तो वहां बाई का बाग है, बाई के बाग में ये पंडाल आपको देखने को मिलेगा। तो आइए अंदर चलते हैं और आपको यहां की वाइब्स दिखाते हैं। अभी तैयारी यहां पर चल रही है भाई, और यहाँ भाई ने हमें पूरी डिटेल बताया। पूरा आप साइड साइड में देख सकते हैं अच्छे तरीके से बनाया जा रहा है, और देख सकते हो यहाँ भी पूरी तरीके से बांस ही बांस है भाई, मतलब बांस बोल दिया तो बांस रहेगा। पूरे तरीके से मेहनत से तैयारी, और ये देखो भाई क्रिएटिविटी देखो एकदम नेक्स्ट लेवल की भाई। चम्मच से आप देख सकते हो लकड़ी के कितना अच्छा तरीके से यहाँ पे प्रदर्शन किया गया है। आप यहाँ भी देखिए, और देखिए पूरा यहाँ बांस का प्रयोग है, और ऊपर से आपको दिखा दे जो चम्मच से बनाया गया है यहाँ पे चिपकाया जा रहा है भाई के द्वारा। और ये देखो यहाँ भी कुछ कट रहा है भाई, तो ये देखो भाई पूरे तरीके से यहाँ पर चिपकाया गया है आपका जो चम्मच से बनाया गया है, और ये भी थर्माकोल का ही है। और पूरे तरीके से आप देखो कितना बढ़िया डेकोरेशन यहाँ पर किया गया है, और यहाँ पे देखो पूरी तरीके से भाई चम्मच का प्रयोग किया गया है। और ये देखो ये भाई डलिया टाइप की बनी हुई है बड़ी बड़ी 3-4 ठो, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी यहाँ पे देखो भाई ये यहाँ पे लकड़ियों का पूरा बना हुआ है, पेंट होगा भी इस पर, बहुत काम होगा, 16 तारीख तक फिनिश हो जाएगा। पूरा कुछ ऐसे ही है भाई पूरा अंदर का सीन, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करना। और इसकी लोकेशन मैं बता दे रहा हूँ, बाई का बाग है, और यहाँ पे आप जब भी आएंगे तो बिल्कुल से एक नए तरीके से पंडाल की फीलिंग लेंगे भैया। और यहाँ भी देखो भाई गेट बन रहा है पूरे तरीके से नाप उप लेके, और ऊपर ये देखो लाइन पूरी तरीके से है। और वो देखो भाई जो ऊपर कुल्हड़ टंगा हुआ दिख रहा है, ये सब जो आपको दिख रहा है ये पूरा कुल्हड़ है भाई, कुल्हड़ लगाया गया है। तो देख सकते हो कितनी नेक्स्ट लेवल की भाई क्रिएटिविटी है यार लोग। तो भाई हम लोग पंडाल के अंदर आ चुके हैं, अंदर एक भाई साहब मिले हैं जो डिटेल पूरी बताएंगे पंडाल के बारे में। भैया क्या नाम है आपका? जी ये जो आपका पंडाल बन रहा है बाई के बाग में, ये पूरे तरीके से बांस से बन रहा है जी, और क्या क्या चीज इसमें लगी है भैया? बांस लगा है, और जो कुल्हड़ लगा है, और कुल्हड़ भी लगा हुआ है जी, चम्मच लगा है जी। और कब तक ये बनकर तैयार? पूरा बेसिक बांस का ऊपर है, नागालैंड का थीम है। नागालैंड का थीम है, वाह भैया वाह, नागालैंड का एक कॉटेज है जी। तो देख सकते हैं भाई ने बताया कि नागालैंड 15 आदमी लगा है 1.5 महीने से अभी तक, तो इसका लगभग जो है हाथ, जो हाथ से बनाया हुआ काम लगभग खत्म है, पेंटिंग वगैरह बाकी है ज़्यादातर। इसका बाद जो है ये षष्ठी का दिन जो है इसका जो है ओपनिंग है जी। 16 तारीख को इसकी ओपनिंग होगी, नागालैंड की थीम पर यह मंदिर दुर्गा पूजा जी का बन रहा है पंडाल कह सकते हैं। और पूरे तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ बांस का प्रयोग किया जा रहा है, यहाँ लोग अपनी पूरी मेहनत से यहाँ लगे हुए हैं भाई लोग, और देख सकते हैं 15 से 20 लोग जैसा भाई ने बताया वो सारे लोग हैं। क्या है पंडाल? हम आए हैं बाई के बाग में। अच्छा, आप चाहे तो देख लें। हाँ। एक एक डिजाइन से बन रहा है। हाँ। यहाँ पंडाल। अच्छा, दिखा लीजिए। अच्छा, तो कहाँ पे है लोग, जगह का नाम बताओगे? हम लोग हैं बाई का बाग। अच्छा, देखिए उधर झूला। अच्छा चलो ठीक है, चल रहा है।